लातेहार के हेरहंज प्रखंड की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर रखा है। हिसातू गांव में पंचायत लगाकर भीड़ ने दिनेश सिंह उर्फ दीनू की हत्या कर दी। दिनेश सिंह पर एक महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मुख्य आरोपी सोहराई सिंह हत्या के बाद भी थाने में आया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे कुछ नहीं कहा। जो आरोपी है कल आपके सामने थाने में आया था, क्यों नहीं उसको सर गिरफ्तार किया गया? एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उसमें, एफआईआर दर्ज उसमें नहीं हुई थी। हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी अरेस्टिंग कर लेंगे। स्थानीय बताते हैं कि मुख्य आरोपी सोहराई सिंह दबंग है, पुलिस वालों के साथ उसकी साठ गांठ है, इसीलिए वो बार बार अपराध करके भी बच जाता है। इसका भी अति क्या हुआ है इसमें? सात महीने मेरे पेट में बच्चा था, सात महीने उस समय भी बच गया। जान दिए हमें, अब देखिए मेरा पति जहाँ लाश भी घर पे रख ले हैं, और तुरते का बोलते हैं शहर ला पुलिस पास चल गया, का बोलते रिपोर्ट, अब बोलने को चीज ना गाड़ी से गिर के मरा है। बताइए सर, गाड़ी से गिर के अगर मरेगा वो तो उसको कहीं ना खोच लेगा, कहीं ना चोट लेगा, और जब पोस्टमार्टम होता है वहाँ का लिख देता है कि ना ये तो ऐसे है गाड़ी से गिर के मरा है, ऐसे कोई नहीं मारा है, यदि शूटर बोला के मरवाया है। झारखंड में जब भी मॉब लिंचिंग की घटना सामने आती है तब स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में रहता है। बरही में रुपेश पांडे की सांप्रदायिक उन्माद में हत्या कर दी गई और आरोप स्थानीय डीएसपी पर लगा। संजय प्रधान हत्या मामले में भी पुलिस पर स्थानीय विधायक के इशारे पर काम करने का आरोप लगा और अब लातेहार में भी पुलिस मुख्य आरोपी से साठ गांठ का आरोप झेल रही है। देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं। और झारखंड में जिस तरीके से हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि प्रदेश का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। मतलब साफ है, अगर पुलिस चाहे तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक सकती है। लातेहार से समाचार प्लस के लिए मनोज दत्त की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।